brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. भारत के तेवर अब चीन को डरा रहे हैं। एशिया का खुद को सबसे बड़ा प्लेयर बताने वाला चीन अब इस बात से डर रहा है कि कहीं भारत अपना असली रूप न दिखा दे। भारत गुपचुप तरीके से बड़े स्तर पर एक एक कदम को आगे बढ़ाते हुए जैसे विश्व में अपनी भूमिका निभा रहा है, उससे चीन को अंदाजा हो चुका है कि भारत की ग्रोथ अब उसे बहुत आगे ले जाएगी। इतनी आगे कि भारत सियाचिन और पीओके को वापस ले लेगा। वो पीओके और सियाचिन जिस पर चीन और पाकिस्तान ने अनाधिकृत तरीके से कब्जा कर रखा है, उसे आजाद करा लेगा। और इस बात का सबूत चीन को उस वक्त मिल गया जब एलएसी को लेकर भारत खुलकर बयान देने लगा। अब चीन विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के एलएसी और उनके कई और बयानों को लेकर टेंशन में है। चीनी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी। इस रिपोर्ट में भारत के रुख और विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के बयानों का जिक्र हुआ। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने एलएसी पर दोनों देशों के बीच में उत्पन्न विवाद का जिक्र किया और पेट्रोलिंग को लेकर आपसी मतभेदों को खत्म कर जल्द एक निश्चित रास्ते पर आने को लेकर कही गई बात को लेकर था। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में इस बात का जिक्र हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएसी को लेकर जहां नर्म है, वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर सख्त तेवर दिखा रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के तेवर चीन को डरा रहे हैं। भारत बहुत स्पष्ट तौर पर कहता आया है कि जब तक एलएसी पर आपसी मतभेद सुलझेंगे नहीं, तब तक राजनयिक स्तर और अच्छे संबंधों की परिकल्पना चीन और भारत के बीच में नहीं हो सकती है। चीन को इस बात को लेकर बहुत आपत्ति है कि विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर सीमा को लेकर इतना कड़ा पक्ष रखते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर कई बार भारत की विदेश नीति को लेकर स्पष्टता रखते आए हैं। डॉक्टर जयशंकर ये बार बार कहते आए कि भारत किसी भी पक्ष पर जाकर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक बात भारत के आंतरिक मामलों और भारत की क्षेत्रीय अखंडता को लेकर के होगा, भारत किसी देश के साथ बैठकर बातचीत नहीं करेगा। चीन और पाकिस्तान उनमें से एक है। पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। भारत पीओके को आजाद कराने का सपना बहुत पहले से देख रहा है, लेकिन एलएसी पर 2020 के बाद से जिस तरीके से चीन ने दावा पेश किया है, उसे भारत को भारी आपत्ति है। और सिर्फ एलएसी पर, लद्दाख क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर के भी चीन के दावे को लेकर भारत भयंकर गुस्से में है। और यही कारण है कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर कई मौकों पर ये कहते आए हैं कि जब तक सीमा पर विवाद नहीं सुलझेगा, तब तक चीन के साथ मित्रता की किसी भी तरीके की कोशिश पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाएगी। भारतीय विदेश मंत्री पहले भी कहते आए हैं कि चीन के साथ हमारे रिश्ते सामान्य नहीं हैं। जयशंकर की इन्हीं टिप्पणी को लेकर ग्लोबल टाइम्स में छपी यह रिपोर्ट इस बात को लेकर दावा कर रही है कि भारत जिस तरीके का रुख अपना रहा है, उसे लेकर चीन को सावधान रहना चाहिए। अब इसके लिए ग्लोबल टाइम्स या फिर चीन को किसी एक्सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ये बात भारत भी चीन को स्पष्ट तौर पर समझा देना चाहता है कि वाकई चीन को भारत से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि चीन की गुस्ताखियों को भारत माफ नहीं करेगा। और भारत जिस स्तर पर बढ़ रहा है, उसके बाद चीन का डरना लाजमी भी है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।